हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदांसी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के एमकेएस और सीजीएस मात्रक जो है मैं बताने वाला हूं। और ये जो मात्रक है दोस्तों, आपके जितने भी आईटीआई लेवल के कंपटीशन एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखेगा, और ये जो मैं मात्रक बता रहा हूँ सभी को जो है अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपके जो भी निकट भविष्य में आईटीआई कंपटीशन एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें जो है आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे आप देख पा रहे हो अपने पास में कुछ भौतिक राशियां हैं, ठीक है। इनके एसआई और एमकेएस मात्रक तो लगभग सेम ही होते हैं दोस्तों, ये सेम होते हैं सीजीएस मात्रक, और उनमें रिलेशन क्या है, उनमें संबंध क्या है, ये चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चुंबकीय फ्लक्स, दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है दोस्तों वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, ठीक है। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक होता है दोस्तों वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर दोस्तों इसे हम टेस्ला बोलते हैं, या फिर इसे टेस्ला को टी से रिप्रेजेंट करेंगे और वेबर पर मीटर स्क्वायर को वेबर पर मीटर स्क्वायर के रूप में हम लिखेंगे, ठीक है। चुंबकीय वाहक बल का जो एसआई मात्रक या फिर एमकेएस मात्रक है वो होता है दोस्तों एम्पियर टर्न, वो होता है एम्पियर टर्न, एटी एम्पियर टर्न, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में सीजीएस मात्रकों की, ठीक है। तो वेबर जो फ्लक्स है, फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, और इसका जो सीजीएस मात्रक है वो होता है दोस्तों मैक्सवेल, मैक्सवेल, मैक्सवेल को जो है एम एक्स से लिखेंगे हम, ठीक है। जो फ्लक्स घनत्व है वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, इसका सीजीएस मात्रक होता है दोस्तों गाउस, ठीक है। सीजीएस मात्रक होता है गाउस, गाउस को हम जी से लिखते हैं, नॉर्मली गाउस को जो है जी से लिखा जाता है। चुंबकीय वाहक बल का एसआई मात्रक जो है एम्पियर टर्न होता है, और इसका सीजीएस मात्रक जो है दोस्तों गिल्बर्ट होता है, गिल्बर्ट, सीजीएस मात्रक क्या होता है गिल्बर्ट, इसको जीबी से लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं हम इन दोनों में संबंध की। संबंध के लिए दोस्तों जो एसआई मात्रक होते हैं वो बड़े होते हैं, सीजीएस मात्रक छोटे होते हैं। तो एक वेबर बराबर होता है दोस्तों, एक वेबर बराबर होता है 10^8 मैक्सवेल, मैक्सवेल, ठीक है। एक वेबर बराबर 10^8 मैक्सवेल, और एक टेस्ला, एक टेस्ला बराबर होता है दोस्तों 10^4 गाउस, एक टेस्ला बराबर होता है 10^4 गाउस, एक टेस्ला बराबर होता है 10^4 गाउस, एक टेस्ला बराबर होता है 10^4 गाउस, और एक एम्पियर टर्न जो है दोस्तों, एक एम्पियर टर्न, एक एम्पियर टर्न ये होता है दोस्तों 1.256 गिल्बर्ट, गिल्बर्ट 1.256 गिल्बर्ट, ठीक है। तो ये कुछ भौतिक राशियां थी, इनके ये सीजीएस मात्रक है, ये जो है अपने ये सीजीएस मात्रक है, ये एमकेएस मात्रक है, और ये जो है एसआई मात्रक या फिर एमकेएस मात्रक और सीजीएस मात्रक में रिलेशन है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए थे, इस बार भी जो है पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जो इस वीडियो को जो है अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।